चंदू बेटा मेरे लिए एक मस्त चाय ले आ बेटा, आजकल तो सब्जी लाने में भी थकावट हो जाती है। बोलो तो सब्जी वाले को पैसे देकर लाया करो ना, भागना नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है बेटा, जब तक लोग मेरे पीछे ना पड़ते ना मुझसे जॉगिंग नहीं होती है। नानी ये तुम्हारी उम्र है सब्जी चुराने की, उस निकम्मे कप्पू को लगाओ किसी काम पे, कोई काम नहीं करता वो। बिल्कुल सही कहा तूने, उससे अच्छा तो उसका नाना था सिद्धू जी। बिल्कुल, कम से कम उसने शादी तो की थी, इससे तो वो भी नहीं हो रही है। नहीं 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 नहीं, शादी नहीं करनी, शादी के बाद छोटी छोटी जिम्मेदारियां और बढ़ा लेगा वो। एक काम करो तुम उसे ना मेरी दुकान पे लगा दो, दो चाय के कप और चार मटरियां तो मैं वैसे दे दिया करूंगा उसको फ्री में। अच्छा। कितनी मटरियां तू सलाह देगा मुझे काम की? इसकी म्युनिसिपैलिटी ने डूडल गई, हमारा कुत्तों को अंडरवेयर पहनाने हैं। ये इतना करप्ट आदमी है, दो अंडरवेयर चुरा के ले आया, पकड़ा गया तो कहता है वो एक्सेल था, कुत्ते का साइज मीडियम था, मुझे आ रहा था मैंने पहन लिया। आपको पता भाई स्कूल में भी मेरे पीछे बैठता था। आई लव माई इंडिया का ऐसे हमें लिखने को आया, मेरे को पीछे बैठ गया था, आई के स्पेलिंग बता। दाना था तेरे पे। और इन्होंने बारी मेरे को आई के स्पेलिंग क्या बताए हैं, कहते लिख आ को बड़ी मात्रा ई आई, और इनके चक्कर में मैं फेल हो गया। नानी खबरदार, तूने आज के बाद इसके यहाँ से चाय पी दो, मैं तेरी किसी अच्छे चाय की दुकान में नौकरी लगवाता हूँ। मेरा मतलब तुम्हारा ताज होटल से जूस आया करेगा। ताज होटल से? हाँ। तू कब से वहाँ वेटर लग गया है? कितनी बार कहा छोटे लोगों के साथ खड़ी मत हो, अगर तेरी सोच छोटी उड़ी आ रही है। बड़ा सोचो बड़ा, इन्होंने होटल खरीद लिया होगा। खरीद ही सकता हूँ, हॉलीवुड एक्टर कैन बाय एनीथिंग। तू कब से हॉलीवुड स्टार बन गया बच्चा? सपना देखा होगा ना, सपने में कोई कुछ भी देख सकता है, जैसे मैं सपने में देखता हूँ एंजेलिना जूली। अदरक तेरे से बोला नहीं जाता, उसको अदकर बोलता है तू। तेरे को एंजेलिना जूली का नाम किसने बताया? एंजेलिना जूली नहीं, जॉली होता है। पेपर पढ़े तेरा। क्या ये देख क्या लिखा है, अमेरिका में आवारा जानवरों के लिए मुफ्त लंगर, वीजा ले ले। ओए इधर देख, हमारे मोहल्ले में हॉलीवुड का डायरेक्टर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, कास्ट करने। अच्छा। तो परी मोहल्ले में आ रहा है ना, इनके घर तो नहीं ना आ रहा, मैं भी तो सिलेक्ट हो ही सकता हूँ। ओ ना बेटा ना ना ना, पहले पंजाबी फिल्मों में बराबर से रिजेक्ट तो हो जा, उसके बाद हॉलीवुड फिल्म में रिजेक्ट होने की सोचना। नानी इसको क्या बता रही है, इसको तो ये भी नहीं पता हॉलीवुड के चाय वाले भी सूट वूट में घूमते, तो मैं भी सूट पहन लूंगा, मैं भी हॉलीवुड का एक्टर बन जाऊंगा। वैसे पाजी मेरे नाम के साथ क्या जचता है, चंदन डी कैप्रियो या चंदू हैंक्स या फिर चंद पचीलो? तेरे नाम के साथ शूट करते है चंदू एग्जिट दबा जा, बट बदतमीज आदमी। कोई बात नहीं, चंदू हैंक्स। सूट वाले तो उधर कितने घूमते हैं, वो ढूंढते हैं चाय वाले ऐसे ऐसे वैसे करेक्टर, समझा कर मैं बन के आऊंगा, मैं मिलूंगा हॉलीवुड डायरेक्टर से। तू बनेगा? यस। अरे वाह, मेरा कप्पू हीरो बनेगा। हॉलीवुड डायरेक्टर हम हैं, yes. हम इंडिया में एक रियलिस्टिक फिल्म बनाने आए हैं, हमें एक रियल एक्टर की तलाश है। तुझे एक्टर की जरूरत है ना? हाँ। तो चाय वाले को ले लेना, हाँ फिल्म हिट हो जाएगी। रुक मैं अभी उसे भेजती हूँ, चाय वाला याद रखना, चाय वाला बढ़िया एक्टर है। चाय वाले सिद्धू साहब, इस मोहल्ले के लोग बहुत लालची हैं, और अब आप देखना ये एक्टर बनना चाहते हैं ना, हीरो बनने के बहाने में इनको वो बनाऊंगा। क्या वो? इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा ये याद रखेंगे।
बॉन्ड। बॉन्ड? जेम्स बॉन्ड। चंदन 007। चल भाग यहाँ से। मैं तुमको कह रहा हूँ, चल भाग यहाँ से। हाँ। मैं हॉलीवुड का स्टार बनना चाहता हूँ, आप प्लीज मेरा ऑडिशन ले लीजिए। मैं तुम्हारी शुभकामनाएं ना लूं, हॉलीवुड का ऑडिशन ले लीजिए। तुम्हें कुछ देना ही है, 50,000 रुपए दे दो। सर 50,000 किस लिए? ये बात सोचने के लिए कि तुम हॉलीवुड स्टार बन सकते हो। और नहीं है तुम्हारे पास पैसे तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नहीं सर, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझते हो? नहीं। तुम्हें हमारा दफ्तर धोना पड़ेगा। अच्छा, मैं कुछ और ही समझ रहा था। एक बात सुनो, तुम फिल्म में काम करने के कितने पैसे लोगे तुम? हाँ, मैं 5 लाख। 5 लाख बहुत कम मांग रहे हो, हॉलीवुड फिल्म है, बढ़ाओ बढ़ाओ इसको। 50 लाख। बहुत कम है, है? और बढ़ाओ और बढ़ाओ। नहीं नहीं, ये तो मैं अपने बॉय के बता रहा था, वैसे मैं 50 करोड़ रुपए लूंगा। सिर्फ 50 करोड़ रुपया? नहीं 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 नहीं, ये इंटरवल तक के बता रहा था मैं, पूरी फिल्म के तो मैं इससे डबल लूंगा, 98 करोड़। बस बस सर, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? हाँ, लेकिन तुम बहुत देर से समझे। मैं लिख लेता हूँ कि सेंस ऑफ ह्यूमर कम है। लिख तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आप डॉक्टर हैं। हॉलीवुड में ना डायरेक्टर एक्टर सब पढ़े लिखे होते हैं। अच्छा। हाँ, डॉक्टर इंजीनियर से कोई कम नहीं होता है। अच्छा, ये मैं सबको बात बता दूं, असल में हमें चाय वाले पे फिल्म बनानी है। क्या है कि ऐसे वाले हमारे देश में ओरिजिनल मिल जाते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है, हमको एक ओरिजिनल चाय वाला चाहिए बस। इसे चाय की दुकान वाले को जानते हो? क्या क्या भाजी, मैंने सोचा था कभी ना मेरा दिन आएगा। और डायरेक्टर साहब, आपको पता भी है वो चाय वाला मैं ही हूँ। आपका मुंह लुंगी जैसा है तो मैं आपको सूट पहनने के लिए क्यों कहूंगा साहेब? आप चाय पियेंगे साहेब? हाँ हाँ भाई, जरूर पियेंगे चाय, क्यों नहीं पियेंगे। अभी तो आपका एक्सेंट कुछ और था। हाँ हाँ, जब लोग कम लाफ्टर दे रहे हो तो फिर एक्शन चेंज करना चाहिए एक्टर को, समझ रहे हो? एक्टिंग के बारे में नहीं जानते। हाँ, तो हम कह रहे थे कि हम चाय वाले के ऊपर फिल्म बनाएंगे और पिक्चर का नाम होगा चाय वाला वा रियल हीरो। लेकिन सर, रियल चाय वाला मैं हूँ। देखो जी जी भाई, पिक्चर में रोल मांगने के लिए झूठ मत बोलो तुम, चाय वाला यही है। अगर तुम्हें साबित करना है कि तुम असली में चाय वाले हो तो जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। चाय मैं अभी बना कर लाता हूँ। सुनो, केसर पिस्ते वाली बना के लाना। काजू बादाम ले आऊं? नहीं नहीं, काजू मेरे को थैली में डाल के अलग से दे देना। वैसे सर, आपका नाम क्या है? हाँ, तुमने स्पीलबर्ग का नाम सुना है? हाँ सुना है जी। अच्छा, वुडी एलन का? वुडी एलन का भी सुना है। जेम्स कैमरामैन का? उसका भी सुना है। तो फिर कैसे होगा भाई? छोटू लाल मिस्त्री का नाम सुना है? छोटू लाल मिस्त्री नहीं सर, ये नहीं सुना। मैं हूँ। सर एक बात बताइए, आप हैं हॉलीवुड के, आपका नाम देसी कैसे हुआ फिर? एक्चुअली क्या है कि हम हॉलीवुड में भोजपुरी फिल्मों की डबिंग करते हैं। अच्छा, थोड़े दिन पहले फिल्म आई थी टाइटैनिक। हाँ हाँ, उसकी हमने बनाई थी, नैया डूबी पानी मां छोरा मगन जवानी मां। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो स्पाइडरमैन सैया भैल जालीदार। और जुरासिक पार्क। अच्छा, उसका पार्क में जान खातिर गुर्दा चाहिए। और सब बढ़िया, आप सुनाइए।
आप हमें लेके फिल्म कब शुरू करेंगे? चलिए अभी आपकी फिल्म की शूटिंग करते हैं। चलिए पहले एक काम कीजिए, 50,000 रुपए लेके आइए एज ए डिपॉजिट। 50,000 रुपए मतलब किस बात का? तुम्हें हीरो बनाएंगे भाई उस बात का। सर ये लीजिए। ये क्या है भाई? ये हमारा खानदानी लोटा है, 400 साल पुराना। मैं 400 साल पुराने लोटे का क्या करूंगा भाई? अरे ये बड़ा मशहूर लोटा है, आपको पता नहीं? ये लौटता नहीं है, पता नहीं कैसे लौटा है। मैं आपको अपनी खानदानी बाल्टी लाकर देता हूँ। और यार क्या लगा रखा है, खानदानी बाल्टी लोटा? मैं लोटा बाल्टी लेकर फिल्म बनाऊंगा। हैं? डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब, मैं आ गई। ये कौन है? ये मेरी फिल्म की हीरोइन है। डायरेक्टर साहब ये लीजिए मेरे माँ के गहने। नाउ शी हैज नो कैलरी बिकॉज शी हैज नो ज्वेलरी। देखा, हीरोइन बनने के लिए माँ के जेवर लेके आई है और ये क्या लेके आया है? ये बाल्टी, ये लोटा, ऐसे थोड़ी ना होता। तो अब हमारे बुजुर्ग जो छोड़ कर गए हैं वही लेकर आएंगे। मेरे दादाजी छोड़ के गए 20 लाख का कर्जा, आप कहें तो आम के नाम कर दे। चुप। मैंने देख लिया तुम दोनों में पैशन ही नहीं है। पैशन तो छोड़िए, पैसे भी नहीं है। ऐसे यार किसके खाए पिए और किसके, मतलब eating, biting and escape. No honey, no money, so funny. मैडम एक बात बताओ, अगर बारिश हो गई हमें अपने जूड़े के नीचे बिठालोगी? Shut up. देखो मैं फिल्म के लिए अपनी चाय की दुकान बेच दूंगा। ये अपनी चाय की दुकान बेच रहा है, तुम्हें इस बात में क्या मिर्ची लग रही है यार? ठीक है फिर, कोई बात नहीं, मैं अपना घर बेच दूंगा। एक मिनट, ये अपना घर बेच रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जाओ पेपर लेके आओ। ये लो। और न्यूज पेपर नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर लेके आओ, इस घर के पेपर लेके आओ। यार पहले हमें हीरो तो बनाओ, तभी तो लेकर आएंगे। ठीक है, मैं तुम दोनों को फिल्म का हीरो बना देता हूँ। और मैं फिल्म की हीरोइन। मेरा सोना, 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 सोना। ठीक है, और फिल्म का नाम होगा दो भाई एक बहन। ठीक है, शूटिंग शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर फिल्म का एक ही नाम होगा, कुमारा कुमारी और कुत्ता। तो ठीक है, एक सबसे बढ़िया नाम लास्ट। फिल्म का नाम होगा सजना सजनी और सुअर। देखिए आप दोनों आपस में फिल्म बना लीजिए, मैं डायरेक्टर सर के साथ बना लूंगी। ऐसे कैसे डायरेक्टर साहब के साथ बना लूंगी, हम भी बराबर के शेयर होल्डर हैं। बिल्कुल, मेरा लोटा लगा हुआ है, इनकी बाल्टी लगी हुई है। पहले शूटिंग तो शुरू करो आप फिल्म की। ठीक है, फिल्म का पहला सीन है भी हीरोइन जो है वो झरने के नीचे नहा रही है और वो गाना गा रही है। एक मिनट, मैं झरने के नीचे कैसे नहाऊं? मैं तो आज तक अपने घर के नल के नीचे नहीं नहाई। वैसे आई डोंट माइंड इफ इट्स अ हॉलीवुड फिल्म। देखो हॉलीवुड फिल्म कहीं की भी हो मजा आना चाहिए। ओके ओके, सो कैन आई एक सेकंड? बाहों में चले आ। अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट यार, अब वो बुला रही है। तुम नहाती रहो, गाती रहो, चलो चलो। अरे एक मिनट, मैं क्या नाली से गिर के आई हूँ जो मैं नहाती रहूँ? देखिए, आई बिलीव टू वाटर सेव, दैट्स व्हाई आई डोंट शेव। भाई ठीक है, आई बिलीव कि हीरोइन हाइजेनिक होनी चाहिए। हाँ तो ये, लेकिन फिल्म की शूटिंग के टाइम पे तो डीओ लगाएगी ही नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय डीओ? तुम मेरे साथ सीन करने आ रहे हो या सूखने आ रहे हो? एक काम करो, तुम दोनों हीरोइन को छुप के देख रहे हो अब, ठीक है? अच्छा ठीक है, ये ठीक है, चलो भाई चलो, ये ठीक है। हाँ भाई, झरना आ गया। एक सेकंड, ये तो सीन ही गलत है। जिसे छुप के नहाना चाहिए वो खुले में नहा रही है, और जिसे खुले में देखना चाहिए वो छुप के देख रहे हैं, ये तो गलत है। बिल्कुल गलत है भाई। बात ये है कि उस वो यहाँ पे नहा रही है जी, क्योंकि उसको देखने के लिए जो लड़का आएगा वो इसके घर पे आएगा। अच्छा। वाह वाह वाह, और यहाँ पे जो आएगा वो उसका डैडी होगा। तो मुझे क्या करना है? तुम एक काम करो जी, यहाँ से आओ। आ गया। कहो बेटी 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 कहो। मेरा थोड़ा गला खराब है, मैं छुप कर ही देखूंगा। तुम छुप के देखते रहो। ओके। तुम आगे इसको मारोगे। तो मतलब मैं फिल्म का हीरो हूँ? नहीं नहीं, तुम लड़की के मामा हो। देखो ऊंट जैसे भाई साहब, मेरी बात सुनो, मेरे को पेमेंट आप बिल्कुल ही ना दो, लेकिन ये आप गलत रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मैं छुप के देखूंगा आराम से। डायरेक्टर साहब, फिल्म में मैं बस नहाती रहूंगी या मेरे को रोमांटिक सीन भी है? फिल्म का तो पता नहीं, लेकिन हाँ फिल्म के अलावा तुम्हारा रोमांटिक सीन जरूर होगा।
ये तो फिर आपने प्रोड्यूसर वाली बात कर दी। तुम बन जाओ प्रोड्यूसर, जाके कागजात ले आओ ना प्रॉपर्टी के। यार तुम हमारी प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पड़े हो? यही समझाने के लिए कि ऐसे हीरोइन के पीछे पड़ना है जैसे आप पेपर के पीछे पड़े हैं। करेक्ट। अच्छा कमऑन कमऑन, तुम दोनों इस लड़की के लिए अपना प्यार जताओ, चलो। ये मेरी जान है। ये तोता है जिसमें तेरी जान है। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट तोता, द शट अप यू खोता। क्या शेरो शायरी? हम खोता, इस दिन हमारा भी होगा एक खूबसूरत सा पोता। Why are you laughing? He's just बेपेंदी का लोटा। गणित साहब ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं? अरे मेरा कैरेक्टर खराब कर रहा है ये। तो कोई बात नहीं, मैं एडिट पे ठीक कर दूंगा। ओ यार आप एडिट पे ठीक कर दे ना, हमें तो ठीक करने दे यहाँ पे। हमें दार, अगर मेरी महबूबा की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तुम्हारा सींग उखाड़ दूंगा। कामोश, मैं तुम्हारा गर्दा निकाल लूंगा। अबे चल 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 झोपड़ी के। चल अब तुम बताओ, चल क्या अपने प्रेमी के लिए तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारे लिए अपनी चूड़ियां तोड़ लूंगी। हेलो मेरी बात सुनो। आई विल ब्रेक अप विद माय बैंगल्स। यस यस। कैसी लड़की है ये? ओ चूड़ियां मरने पे तोड़ते हैं। हां तो तेरे मरे हुए एक्सप्रेशन देख के तो चूड़ियां तोड़ेगी ना वो। और क्या, तेरे लिए अपना फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़वाएगी वो। अच्छा अब सीन नंबर 3, अब तुम दोनों बताओ कि तुमने अपनी हीरोइन के लिए क्या क्या किया है। मैं इसको साइकिल पर बिठाकर मेले पे लेके गया था। मैंने इसे मेले में झुमके दिलाए थे। हेलो, मुझे कोई झुमका नहीं मिला है। उसके साइकिल वाली बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मेरे झुमके वाली बात पे बड़ा ऑब्जेक्शन आ रहा है। अरे तो साइकिल 2000 रुपए का आता, झुमके पता कितने महंगे आते? झुमके तो मैं लेकर रहूंगी, मैं बता रही हूँ। यू शट अप यू झोपड़ी के। और बोलो, ऐसे तो मैं भी इसके लिए कंगन लेकर आ सकता हूँ। कंगन तुम क्या लाओगे, मेरे तो वैसे ही कंगन रहती है। अगर ज्यादा बकवास की तुम्हें हनीमून पे अकेले चले जाओगे। देखो मैडम, हनीमून में अकेले जाओगे उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप टीचर, आपको रिजल्ट का ख्याल रखना चाहिए, चाहे बच्चों का रिजल्ट आए चाहे रिजल्ट में बच्चे आए। मैं आपको मंगलसूत्र देने के लिए तैयार हूँ, 30 रुपए महीना किराया। ये तो कोई भी प्रेमी दे देगा, असली प्रेमी वही है जो अपना सब कुछ दे दे। बोलो तुम क्या दोगे? मैं अपना लोटा तक बेच दूंगा। मैं अपनी बाल्टी बेच दूंगा। यार लोटा बाल्टी को जायदाद के पेपरों की बात करो। मैं इसके लिए अपना घर बेच दूंगा। मैं भी अपनी चाय की दुकान बेच दूंगा। ए डॉक्टर, अरे मेरा घर को तेरा मोया, अरे जो पेट की दवा दी ना उससे तो मेरा पेट साफ ही नहीं हुआ। बोलो बाहर निकल। ओ यार तूने लाल गोली की जगह पीली गोली ले ली होगी तो ऐसे ही होगा ना। एक मिनट, अरे डॉक्टर साहब आप? अरे नहीं, हम तो वो हॉलीवुड वाला बात कर रहे थे ना, वो चलो वही करते। तो मतलब हॉलीवुड के बनकर चंदू, डायलॉग छोड़, डंडा उठा। एक मिनट देखो, बुजुर्गों को आई एम ए सीनियर सिटीजन, मुझे 4 पॉइंट तो मिलने चाहिए। देखो 4 पॉइंट एज ए सीनियर सिटीजन, देखो 4 पॉइंट।